God in love's Omega. तुम उससे शादी करोगे? हाँ, जिससे सिर्फ दो दिन हुए हैं यहाँ आए हुए, वो मेरी बचपन की दोस्त है असली। वाह, क्या जवाब दिया है तुमने। दो दिन पहले तो उसका नामो निशान तक नहीं था तुम्हारी जिंदगी में। मुझसे जाहिर मोहब्बत क्यों किया? क्यों झूठ बोला मुझसे? तुम्हारे इस झूठे प्यार में मुझे तो कहीं कर नहीं रखा, लेकिन मैंने सच्चा प्यार किया तुमसे। तुम अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत प्यार किया तुमसे। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। असल उससे शादी अपनी माँ की वजह से कर रहे हो ना? तुम्हारे झूठे प्यार की तरह मुझे कोई झूठ नहीं सुनना अब तुमसे। बोलो, सच बोलो, सिर्फ एक बार ही सही। मैं भी अब शादी करूंगी। करूंगी शादी में, ताकि तुम्हें भी एहसास हो क्या किया है जब दिल टूटता है ना, कितनी तकलीफ और चुभन होती है। इंसान ऐसे जैसे मर जाता है। ठीक है, अब जो भी पहला शख्स मेरी जिंदगी में आता है उसी से करूंगी शादी। कसम खाती हूँ मैं ध्रुव, जो कुछ भी मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें, देख लेना तुम। नहीं कर सकती ऐसा। करूंगी मैं। तो मुझसे मोहब्बत करती हो? करती हूँ, झूठ नहीं बोलूं। तुम्हारी मोहब्बत दफन कर दूंगी अपने दिल में। तुमसे वादा करती हूँ। असली, या अल्लाह, ऐसे कहां जा रही हो? क्या हो गया है? कितनी मुश्किल से तुम्हारा मूड ठीक किया था, तुम फिर उदास हो गई हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा मतलब, क्या हम शादी कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? समझा नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। बोलो, क्या शादी करोगे मुझसे? हाँ।
अगर इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देते तो मजा आ जाता मुझे। तो इसका मतलब तू बगैर मजे के ही खा गई इतना सारा? अब बच्ची कह रही है तो डालने दो। लाओ मैं डाल दूं नींबू। आपको पता है आज वैलेंटाइन डे है और मेरे हस्बैंड साहब अनकरा जा रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये है हमारा वैलेंटाइन डे मेरा और बेबी का। ओफ हयात, तुम तो किसी भी हाल में खुश नहीं। तुम्हारे लिए बर्फबारी करवाई थी उसने और यहाँ बड़ा सा टेडी बियर लाया था तुम्हारे लिए और बलून्स लेकर आया था। और तुम क्या चाहती हो उससे? वो बेचारा तुम्हारे लिए और क्या क्या करे बताओ जरा। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर चाहने वाला इतना सब कुछ नहीं करता। तो ना जाए ना, अगर इतनी मोहब्बत है तो रुक जाए। कहीं उसका वहाँ कोई चक्कर तो नहीं है? मेरे बच्चे ऐसी हालत में इतनी बुरी बातें नहीं सोचते। उसने तेरी खातिर क्या कुछ नहीं किया है? ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है अम्मी। देख, हाय अल्लाह, इस लड़की को जरा एहसास नहीं अपने शौहर का। इसे बस यही गम है कि वो इसे छोड़कर अनकरा जा रहा है। इसे लग रहा है वो मजे करने जा रहा है। तू छोटी बच्ची है, तुझे नहीं मालूम तेरा शौहर वहाँ क्यों जा रहा है? हाँ एमिने आपा, बस भी कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए प्लीज। एक बात और, तू नहीं जानती तेरे बाप ने इस उम्र में क्या किया है? और तो और उन साहब का उस औरत से एक बेटा भी हो गया है, उस पे सोने पे सुहागा। उसी बच्चे को मेरा पोता बना के मेरी ही गोद में डालना चाह रहा था। बता, जानती है ना तू ये बात? हाँ, पोते की चाहत मुझे बहुत थी, बहुत, मगर सौतेला बेटा पोता, शुक्र है पोता ना सही, तू तो मुझे नवासा दे रही है। अब मेरी इस खुशी को नजर मत लगाना, आने दे से। अच्छा बस, हर माँ ये तकलीफ उठाती है। अभी ये लोग नहीं समझेंगे मैंने आपा, ये न्यू जनरेशन है। जब बच्चों के बच्चे होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हमें कैसे पता चलेगा? ओह बेचारी मेरी प्यारी एमिने आंटी, ये कहाँ से समझेगी? जब ये माँ बनेगी ना तो इसे अंदाजा हो जाएगा। आप प्लीज रिलैक्स रहिए। बस अब तो यही दुआ है इसे जल्दी अकल आ जाए। थोड़ा अचार मिल जाता तो खाने का और मजा आ जाता। हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं, फरीदे जा अंदर जल्दी से जा, बर्नी से अचार ला दे। बहुत शुक्रिया अम्मी जान, आपने तो हर खुशी डबल कर दी है। खा बेटा खा, इस वक्त जो तेरा दिल चाहे तुझे कोई नहीं रोकेगा, सब कुछ खा। हाँ मुराद। आओ करीम आओ, काम कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा मुराद, अब अपनी कंपनी ठीक जा रही है, सारे वर्कर्स भी वापस आ गए। ये तो बहुत अच्छी खबर है सुपा। अरे ये क्या हो रहा है? सरप्राइज। समझ गया, जो चीज मैंने मंगवाई थी दोगे मुझे? हाँ बिल्कुल। हाँ लाओ। मुराद बताओगे नहीं आखिर इसमें है क्या? तुम्हें बहुत बेचैनी है करीब, लाओ दो मुझे। इसमें ज्वेलरी तो नहीं हो सकती क्योंकि जहां से मैं लाया वो ज्वेलरी शॉप तो नहीं है। मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रहा हो ना? इसमें क्या है मुझे नहीं बताओगे क्या? हरगिज नहीं बताऊंगा, मुझे पता था नहीं बताओगे। अगर तुम मुसलसल इस तरह खाती रही तो तुम मोटी हो जाओगी प्रेगनेंसी में ही। कोई बात नहीं, हैंडल कर लूंगी। तुम सुबह पूरा देखचा खत्म कर चुकी हो, तुम हैंडल कैसे करोगी? हाँ एक मिनट रुको जरा। हाँ मुराद बोलो, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई क्या? नहीं अभी फ्लाइट में टाइम है थोड़ा। क्या टाइम था उसका? पूछ कर क्या करोगी, साथ चलना है। तुम्हें तो उस शख्स से रात को मिलना है ना? बिल्कुल। टाइम क्या डिसाइड हुआ? इतना टाइम है कि हम डिनर साथ कर सकते हैं, आ जाओ लेकिन जल्दी। क्या कहा, डिनर? आज वैलेंटाइंस डे है ना, सोचा साथ डिनर कर लेते हैं। सच बताऊं तो तुम्हारा वैलेंटाइंस डे खराब नहीं करना चाहता। कैसे मानूं ये सब? यकीन करो मेरा जानम, एयरपोर्ट के करीब ही कहीं डिनर करेंगे ताकि मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। ये बकवास। हयात रिलैक्स हो जाओ। क्या कर रही हो? अपना गुस्सा ठंडा कर रही हूँ ताकि मेरे मुंह से कुछ और ना निकले। हेलो। तो तुम आ रही हो ना? आती हूँ, भूख लगी है। देखो तो। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। सच कह रही हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने।
खाने के अलावा इसने किया क्या है? मैं घर गाड़ी बेच रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए, देखो देर मत करना। ठीक है, तैयार रहूंगी मैं। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैं? क्या कहा उसने? क्या कहीं लेके जा रहा है तुझे? वैलेंटाइन्स डे है, डिनर पर जा रहे हैं दोनों। मैं समझ गई हूँ उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, बच्चे के बारे में पूछेगा वो तुमसे। बहरहाल अभी तो मुझे जाना होगा। हाँ तैयारी भी करनी है, थोड़ा सा और खा लूँ बस। बस कर बेटा, डिनर पे भी तो जाना है। ये प्लेट तो खत्म कर लूँ। हयात तुम ये प्लेट टेबल पे रख दो शराफत से। अब तुम असमी साहिबा के कमरे में क्या कर रही थी? कपड़े सिल ये थे वो लेकर आई थी। क्या कुछ बताया उन्हें? मैंने क्या बताना था? मैं जानती हूँ तुम्हारे खेल सारे। मैं बेजर हो गई हूँ। किस चीज से? बार बार एक ही सवाल पूछ। तमीज से बात करो मुझसे। और यहाँ दारिया क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, आप बीच में बताइए। कैसे कुछ नहीं हुआ, तुम इतनी जोर से मेरे दरवाजे पर चिल्ला रही हो। मसला क्या है, मुझे हर चीज की वजाहत देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, तुम लाख कोशिश करो छुपाने की, कोई फायदा नहीं, लेकिन जो मैंने तुमसे पूछा है वो तुम्हें बताना होगा, समझ गई तुम? क्या हुआ, आप परेशान हो गई ना जो मैंने मिस्टर हशमत के बारे में बता दिया? दारिया मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, बेहतर है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं दोनों को सफता दूँ। बदतमीज औरत, जाओ अपना काम करो जाकर। क्या हो जाता अगर आज ये अनकरा ना जाता तो? अनकरा जाने के लिए इसने आज का ही दिन क्यों रखा है? सुन रहे हो बेबी, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर चीज को वक्त लगता है परफेक्ट बनने में। शायद तुम ही वजह बनो उनके परफेक्ट होने की। हर कोई वैलेंटाइन्स डे मना रहा है। मैडम ये घड़ियां देख लें। आपने तो डरा दिया मुझे। माफी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन ये ओरिजिनल है। अच्छा जी, देख तो ले। कहते हो तो देख लेती हूँ। खुशामदीद मिस हयात। हाँ कैसी हो आर्या? मैं ठीक हूँ, ये रहे आपके कपड़े। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें इतनी खूबसूरत लगूंगी कि वो मुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जाएगा। मुराद सर ये रहा रिमोट, इस बटन से पिक्चर चेंज होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, छोड़ दे मुझे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आज से तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। अब ये कैसा शोर है या अल्लाह, अपना सारा सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से इसी वक्त। क्या हो रहा है यहाँ, क्या कर रही हो तुम दारिया? अजमी साहिबा बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। तो मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती, छोड़ो उसे। मैंने कहा ना दूर हटे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे क्या हो गया आपको, छोड़े उसे। आजम मैडम मैं आपको हर बात बताऊंगी कि ये कैसी औरत है। छोड़े इसे दारिया मॉम, क्या हो गया आपको, छोड़े। हयात बेटा तुम दूर रहो। मैंने कह दिया कोई बीच में नहीं बोलेगा। आराम से भी बात हो सकती है। तुम्हें तो किसका फोन? हाँ बोलो करीम। खुशी की खबर है, मुझे घर मिल गया। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें घर पसंद आया या नहीं? हाँ हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया, बस थोड़ा सा रंग रोगन हो जाए, मरम्मत हो जाए तो उसके बाद ये जबरदस्त हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो भी हो जाएगा। हाँ और मजीद कुछ चाहिए तो जरूर बताना। और तुम मजीद मेरे लिए क्या करोगे? हाँ इतना सब कुछ तो कर दिया तुमने, शुक्रिया यार। और हाँ याद रखना जो पैसे तुमने मुझे दिए हैं वो एक दिन में जरूर लौटा दूंगा तुम्हें। सुनो मेरे साथ तुम्हें फजूल बकवा करने की जरूरत नहीं है करीम, जब तुम्हारे पास आसानी से हो पैसे तब लौटा देना। और याद रखो दोस्तों के दरमियान कोई उधार नहीं होता। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुश रहो, अपना ख्याल रखना।
पागल है ये भी। आयशा ये तुम हो क्या? कौन आयशा? मजाक कर रहा था यार, तुम इसे सच मत समझना। हाय देखो जरा, तुम्हारे इस मजाक से मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया है ना करी। चलो गुस्सा ना करो, इधर आओ मेरे पास। एपिक, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। सेम टू यू। सुनो, हम इस गली में क्यों खड़े हैं करीम? थोड़ी सी दूर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। हाँ उधर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें गिफ्ट दूंगा। दो। ये क्या है? हमारा घर। ये कब लिया? क्या वाकई ये हमारा घर है? हाँ बिल्कुल। एपिक बाहर से हालत मत देखो, थोड़ी सी मरम्मत की जरूरत है, वो भी मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। चुप करो, पागल हो गए हो क्या? मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। करीम, आई लव यू सो सो मच। चलाओ तुम्हें घर दिखा दूंगा, और याद रखो अपने हाथ से दरवाजा खोलना है। बेटा जिद मत करो, मुझे कॉल करने दो मुराद को। जरूरत नहीं है। हयात, उसे मालूम होना चाहिए। लेकिन दादी जान, मैं और मेरा बच्चा ठीक है, आप बिलावजह परेशान हो रही हैं। शायद मेरा फोन बज रहा है। हाँ उसी का फोन है, बताओ क्या कहूँ उससे। आप बेगिन कुछ भी कह दें दादी जान, कह दीजिए कि वॉशरूम में है या कहीं ऊपर गई है, बस इस हादसे का मत बताइएगा उसे। हेलो मुराद। दादी जान आपने क्यों फोन उठाया? हयात कहाँ है? हयात वो ऊपर गई है, अपनी अंगूठी भूल गई थी, वो लेने गई है। फोन बज रहा था, तुम्हारा नाम देखकर मैंने उठा लिया। मैं उसे लेने नहीं आ सकता, गाड़ी भेज रहा हूँ। उसे कहिएगा देर मत लगाए, फौरन आ जाए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बेटा। या अल्लाह हमारे बच्चों की हमेशा हिफाजत फरमा। जमील सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। सारी सिचुएशन से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, कहीं कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो चीज हम दोनों ने एक साथ शुरू की है उसे हम एक साथ ही खत्म करेंगे। ओके। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो हम भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी। क्या अब जा सकती हूँ मैं? हाँ जा सकती हैं, रुक जाए तो बेहतर है, मेरा तो यही मशवरा है। देखे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी फील नहीं हो रही। बेटा बात मानो मेरी, मुराद को सब बता दो और कुछ देर के लिए यहाँ रुक जाओ। बिल्कुल नहीं दादी जान, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, आप मेरा ड्रेस उठा दें प्लीज। हद हो गई है। साफ साफ बताओ तुम दोनों चाहते क्या हो, बताओ। तू क्या समझ रहा था? तू जो कुछ मेरे लिए बाहर से लाएगा मैं तेरी सारी गलत भूल के रख लूंगी अपने पास, हरगिज तुझे माफ नहीं करूंगी। अम्मी आप क्या बात कर रही हैं? बहुत खास बात करनी है। जो भी बोलना है जमील जल्दी बोलो, आपा का पारा बढ़ता जा रहा है, बोलो। वही तो बताना आया हूँ मैं इनको, लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? या अल्लाह और क्या देखना क्या भुगतना पड़ेगा मुझे, अब इससे ज्यादा सहने को बचा ही क्या है? जल्दी बताओ तूने फिर अपने बाप के साथ मिलके कोई नया गुल खिला दिया है क्या? ठीक है बताता हूँ, मुझे पता है कि अम्मी का पारा बहुत हाई हो रहा है और मुझे यहाँ से रहने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही है। बात यह है कि मैंने असली ने और मैंने मंगनी कर ली है। या अल्लाह मंगनी? क्या कहा तुमने? मंगनी कर ली। कहती
कह रहे हो मेरे पास गले लग जाओ दोनों। मेरे बच्चे आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। याद है ना आपा, मैंने कहा था 2-3 दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज इसका मतलब मैं इस बार अम्मी से पिटते पिटते बच गया। अरे कैसी बातें कर रहे बेटा, कैसी सजा होगी? शाबाश, आज तो तूने ऐसा काम किया है कि कोई कर ही नहीं सकता। असली से अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी खुशी मिली है, एक डांस तो बनता है आपा। आजो 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 आजो। अजमी, मुझसे खफा मत होना। मैंने वादा निभाया है और एक नौजवान को बचाया है। जिस लड़की से मैंने शादी की है उसका एक बच्चा है। ये शादी उसके मुस्तकबिल के लिए है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम आ गए बेटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अम्मी क्या बात है, आज आपने इतना जल्दी क्यों बुलाया? हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मी देखें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब क्या किया है आपने? दुरुक, इस बार कुछ और हुआ है, यकीन करो ये हादसा था। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? हयात गिर गई और उसका बच्चा। क्या मतलब इस बात का? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ बेटा, काश वो बीच में ना आई होती जब मेरा और औरिया का झगड़ा हो रहा था। उस दौरान वो सीढ़ियों से गिर गई दुरुक। इससे पहले कि मुराद तक ये खबर पहुंचे हमें निकलना होगा यहाँ से किसी भी हाल में। मतलब हयात प्रेग्नेंट थी क्या? वो ठीक है? बेबी अब कैसा है उसका? नहीं मालूम। हम इस रोड से क्यों जा रहे हैं? वहां ट्रैफिक जाम है क्या? अभी तो एयरपोर्ट बहुत दूर है। बेबी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। मेरा बेबी। तो फिर अब जा सकती हूँ क्या मैं? जी हाँ, लेकिन ख्याल रखिएगा, ये आपकी खुशकिस्मती है कि इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ।
मुराद तुम यही हो ना? उम्मीद है सरप्राइज अच्छा लगा होगा। इतना हसीन सरप्राइज मेरे लिए? यकीन नहीं आ रहा मुझे। यह हमारे नए ब्रांड का नाम है, हयात। नए ब्रांड का नाम हयात होगा? मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। आ जाओ। मतलब तुम कहीं नहीं जा रहे थे? तो वो झूठ तुमने सरप्राइज देने के लिए बोला था मुझे? जी हाँ बिल्कुल मैडम, देखा ये एक और सरप्राइज। मैं जानता हूं, मुझे लगा इससे अच्छा और कोई सरप्राइज हो ही नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि हमारे यहां बेटी पैदा होगी। आई लव यू मुराद। मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम। पहले से मालूम था कि तुम बाप बनने वाले हो। हमारे ट्विन्स होने वाले। मुझे यकीन है तुम पर। बाबा की जान, आपने ये फूल क्यों तोड़े? वे कबर पे डाल लेते बाबा, क्योंकि इसकी कबर पे बहुत सारी बर्फ गिर गई थी। मम्मा के लिए आपने बर्फबारी करवाई थी ना? बिल्कुल करवाई थी आपके बाबा ने। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है। ओके। क्या मोगली भी जन्नत में जाएगा? पता नहीं, लेकिन अच्छी जगह जरूर जाएगा।
और जहाँ भी जाएगा आप लोगों को जरूर याद करेगा। वो वहाँ से हमें देख सकेगा? हाँ, देख भी सकेगा, लेकिन अभी मेरी बात माने, चले अंदर चलते हैं, आइए। क्या हो रहा है? अम्मी लीजिए, आपकी अम्मी भी आ गई। अम्मी, हमने मोगली की कब्र पे फूल डाल दिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन बाबा को कुछ भी नहीं पता अम्मी। अरे अरे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं बेटा? क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है मोगली जन्नत में गया है या नहीं। आप बता देना बाबा, मोगली कहाँ गया? चलो बैठ के समझाओ इन्हें। मैं नहीं समझा सकता क्योंकि ये दोनों तुम पर गए हैं। और ये आने वाला? यहाँ बहुत सर्दी है, चलो अंदर। तो आइए बाबा की जान गोद में आ जाए। चलो शाबाश, जल्दी चलो। एपिक छोड़ दो इस डिवाइस को, कितना देखोगी हमारे बच्चे को? तुमने देखा नहीं करीम कि वो कुछ देर पहले मूव कर रहा था? मुझे लगता है हमारा बच्चा रो रहा है। भाई मैं खुद जाकर देखूंगी ऊपर। एपिक आंटी, आप रहने दे, मैं देख लूंगा। चलिए अपने कमरे में जाए। खबरदार अगर किसी ने बेबी को उठाया। अम्मी, हम उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम कहती तो हो लेकिन बाज नहीं आती। हयात, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हुए बस। फरीदे आंटी ने थोड़ी देर पहले ही खबर दी है कि अजमी दादी और हशमत दादा शादी कर रहे हैं। अरे वाह, दादा की एक और शादी? मुझे तो दादी जान ने कुछ नहीं बताया। अरे उन्हें बताने में शर्म आ रही होगी। पता नहीं कब तक आएंगे ये दोनों। तुम्हें पता है ना तैयारी उन दोनों की? आदमी इतनी देर थोड़ी करते हैं, बस आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। ये तो शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। हो सकता है दोनों समझदार हो गए हों। उनके बीच प्यार ना होता तो वो दोनों साथ ना होते। और तुम तो जानती हो ना, प्यार लफ्जों में कहा। लगता है आ गए। आइए आइए, खुश आमदीद, आ जाओ। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। असली कैसी हो तुम? ठीक। मुराद, हयात जल्दी आओ। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया हयात? हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन किसकी है? वो अभी नहीं समझे मुराद, मुझे लगता है टाइम आ गया है। ठीक है ठीक, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। फिर मत करो मुराद, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आ गया, से कोई भी ले आएगा गाड़ी, तुम यहाँ मेरे पास ही रहो। हाँ तो मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। ध्रुव करीम, बताओ क्या करें? तुम लोग घर पर रहोगे बच्चों के पास, यहाँ पर हम लोग हयात को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं जल्दी से जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। हाँ बोलो। मुराद जल्दी करो, बहुत मुश्किल हो रहा है। हयात हौसला रखो, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है, तुम कह रहे हो कि हौसला रखो। चलो वक्त जाया नहीं करते, एपिक को घर पे छोड़ते हैं, तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहले कभी बच्चे पैदा ही नहीं किए। रुको 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 रुको, क्या हुआ? एक बात बताओ मुराद। हाँ यार सुनो, इसके होने के बाद भी तुम्हारा मुझसे प्यार कम तो नहीं होगा ना? मैं सांस लेना तो भूल सकता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करना नहीं। पक्का वादा? पक्का वादा।
प्यार लव